पत्नी कैसी हो? पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा पराए पुरुष को कभी ना देखे, और पुरुष पत्नी व्रता, जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत निगाहों से ना देखे। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष जब होते हैं, तो आप जब पति पत्नी व्रता हो और पत्नी पति व्रता हो, तब आपके यहाँ भक्त या भगवान का प्राकट्य होता है। सुंदर श्रेष्ठ संतान होती है, जिस संतान से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। नालायक बच्चे पैदा करके भी तुमने कौन सा गौरव प्राप्त कर लिया? आपके पति पत्नी से श्रेष्ठ संतान पैदा है, तब तो आपका पति पत्नी ठीक है। आपका पति पत्नी बनके रहना, आपकी संतान श्रेष्ठ नहीं है, तो आपके बच्चे गीदड़ों की तरह यदि हैं, तो उन गीदड़ों से होगा क्या? हमारे यहां तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने। जननी मतलब मां, जननी जने तो, जोर से, जननी जने तो भक्त जने। या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बांझ रहना अच्छा है, जनना जन्म देना मेरी माँ, तो श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ बेटी हो झांसी की रानी की तरह, और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज की तरह, शिवाजी की तरह, ध्रुव और प्रहलाद की तरह बेटा हो, वरना जरूरत ही नहीं गीदड़ों को पैदा करने से। श्रेष्ठ संतान, आजकल हर आदमी महाराज बच्चा हो जाए, कैसा भी हो, वो लात मारे जूता मारे सब चल, बच्चा हो जाए, बच्चा, सबको बच्चा चाहिए, सबके हैं तो आपको भी चाहिए। तुम्हें तो केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है, बढ़ाओ। पहले के लोग ना ऐसे ही आठ आठ दस दस, सास के भी होते जा रहे हैं, बहू के भी होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था, भतीजा बड़ा है, चाचा छोटा है। पहले तो बस बच्चे पैदा करने से मतलब है, होने दो बस। ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे इतने सारे करोगे क्या, लायक हैं क्या? लायक नहीं है तो सौ भी किस, वो दुर्योधन जैसे सौ किस काम के, दुर्योधन जैसे सौ किस काम के, और अर्जुन जैसा एक ही बहुत है। पांडव पांच बहुत हैं। पांडवों के पास धर्म था और कौरवों की संख्या बहुत थी, पर नालायक थे किस काम के, भरी सभा में कपड़े उतारते भौजाई के। तो ऐसी औलाद तुम्हें चाहिए क्या? तुम भी बहुत सारे पैदा करके क्या करोगे? एक लायक, एक विवेकानंद हो, एक पृथ्वीराज, एक शिवाजी बहुत, एक बेटी हो झांसी की रानी की तरह। एक हो परंतु श्रेष्ठ हो, सौ सुनार की और एक लायक संतान हो। आप अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी, खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मां को वो पानी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं, और कहने को बहुएं बहुत हैं। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब, जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही है। एक जरा सा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? चार लोग हैं, छह लोग हैं, दस लोग हैं। दस लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती,
और चार छह लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो, जिन्होंने पूरा राज्य संभाला, परिवार नहीं, ससुर की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र नहीं राजा बनने के लायक। सुना होगा आपने अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर मालवा की रानी स्त्री। अहिल्याबाई होलकर ने कम उम्र में राज सत्ता संभाली और महिलाओं की टीम तैयार की, योद्धा महिलाओं को तैयार किया। रानी थी, पुरुषों की युद्ध टीम अलग, महिलाओं की युद्ध टीम अलग। एक राजा ने अटैक कर दिया तो पत्र लिखकर भेजा था अहिल्याबाई होलकर ने, सुनो तुम तो आए हो लड़ने और हम लड़ेंगे स्त्रियां, तुम जीत गए तो तुम जीत गए और तुम हार गए तो एक बार हारोगे पर 100 बार हारोगे, लोग सारा जमाना कहेगा स्त्रियों से हार गए, भला चाहते हो तो पंगा ना लो और हम तो मरने ही खड़ी हैं। अब सोच लो, हमें तो जान प्यारी नहीं है, लड़ना है तो आओ। भैया केवल ये पत्र सुन के भाग गया अहिल्याबाई होलकर ने पत्र लिखा। ये महिलाएं थी, हमारे देश में महिलाओं का भी इतिहास श्रेष्ठ है, जो रानी बनकर के पद संभाला, तरीके से शासन किया, प्रजा को पुत्र मानकर सेवा किया। बेटी हो ना तो ऐसी हो जो राज्य को चला सके। आजकल की बेटियां 10 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार मैनेज नहीं कर पाती हो तुम। वो कहती हो हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक सास एक ससुर एक पति और 2 बच्चे तुमसे नहीं संभलते। शादी हुई और मैं तो सास के संग नहीं रहूंगी, पति से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या जीवन है। अहिल्याबाई ने भी कहा होता कि नहीं जी अलग रहते हैं, क्या जरूरत है प्रजा की, क्या जरूरत है, हो गया तक कल्याण। तुम्हारा इस अलग अलग के चक्कर में ना पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, कुछ स्त्रियों के इसी अलग थलग विचार ने आज वृद्ध माओं को आज वृद्धाश्रम की ओर जाने पर मजबूर कर दिया है, इसी तुम्हारे अलग थलग विचार ने। परिवार को जोड़ने की तुम पढ़ाई पढ़ती ही नहीं हो, इतनी डिग्रियां तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारे पास वो डिग्री कहां है जिससे परिवार जोड़ा जाए, सिवाय तोड़ने के सिवा तुमने क्या सीखा है। ये बात हर पुरुष और हर स्त्री सबके लिए है, जो तोड़ते हैं उनके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, जोड़ने की डिग्री दिखाओ कि तुमने जोड़ा भी कुछ है। भाई को भाई से जोड़ा क्या, सास को बहू से जोड़ा क्या, मां को बेटे से जोड़ा क्या, केवल कैंची लिए खड़े हो। बहू आती है पति से बोलती है जी मैं तो अलग रहूंगी, ये तोड़ना है या जोड़ना है। अरे बहुएं तो ऐसी हैं, होनी चाहिए, घर में 4 लोग ही तो हैं, 6 लोग ही तो हैं, 6 लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाते तो कैसे पढ़े लिखे हो ये बताओ, क्या मतलब हुआ तुम्हारी शिक्षा का। हम तो आपसे कम पढ़े हैं और 273 माताओं की सेवा करते हैं, इतने लोगों को मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी एक माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, तुम्हारी एक सासू माँ तुमसे मैनेज नहीं हो रही है, हमारी 272-273 माताएं खुश हैं और सभी के लिए समय है। रोज हम पांव दबाते हैं माओ के, तुम तो पांव भी नहीं दबाती हो, जो नहीं दबाते उनके लिए कह रहे हैं। हर बात सबके लिए नहीं है, जो आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपनी मां के पांव भी नहीं दबाते हो, सास के पांव भी कुछ बहुएं नहीं दबाती हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं आप, क्या पढ़े लिखे हैं आप, टाई बेल्ट लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता साहब। आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तब तो आप पढ़े लिखे हैं,
आप बहुत पढ़े लिखे हैं पर आपकी विद्या किसी के काम ही नहीं आ रही है। आप अपनी सगी सास को रोटियां नहीं दे पा रही हो तो आपकी डिग्रियों का हम करेंगे क्या, ये बताओ। आज बेटा इतना पढ़ लिख गया कि अपनी एक माँ को रोटी नहीं देता पेट भर, अब बताओ इस नालायक बेटे के पढ़े लिखे होने का क्या करोगे आप। तुम बहुत पढ़ लिख गए हो पर अपनी माँ को रोटी नहीं देते हो, तो जब तुम्हारी माँ ही तुमसे संतुष्ट नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा भला और समाज में किसे संतुष्ट करेगी। तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ हैं, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के पांव तो दबाते हैं, माँ की सेवा तो करते हैं, अपने माँ और बूढ़े बाप की सेवा करते हैं। बूढ़ा बाप बिस्तर में मलमूत्र करता है तो कुछ बेटा उसको नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहना कर सेवा करते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे गौरी गोपाल आश्रम में कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिन माओ का चलना फिरना नहीं होता, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं, उन माओ को सुव्यवस्थित रोज नहलाना, रोज उनके कपड़े चेंज करना, रोज उनका बिस्तर बदलना, पूरी सेवा एक बेटा जो कर सकता है, मैं क्या क्या बताऊं, सब कुछ ये दास करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। और आप आश्चर्य मानेंगे आप सबसे कम पढ़ा लिखा हूं मैं, आप जितने लोग यहां बैठे होंगे आप मैं लगभग मैं आप सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं, मेरे पास डिग्रियां नहीं है और मुझे लगता है कि विद्या ददाति विनियम, विद्वान वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हों। आपकी विद्या से समाज का कितना भला हो रहा है ये मुझे बताओ, आप इतने विद्वान हैं, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, बताओ उससे समाज का क्या फायदा हो रहा है। समाज का तो छोड़ दो, तुम्हारी माँ का तुम्हारे बाप का क्या फायदा है, क्या तुम उन्हें संतुष्ट रख पा रहे हो, क्या चार लोगों को मैनेज कर पा रहे हो, छह लोगों को मेंटेन कर पा रहे हो, नहीं तो फिर क्या करोगे डिग्रियों का। शिक्षा का अर्थ ही लोगों ने बदल दिया। ये दास अनिरुद्ध देखो, कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, मेरे कहे गए शब्दों से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, मेरे शब्द काम आ रहे हैं। ये दास जब सेवा करता है माओ की तो लाखों बच्चे हृदय परिवर्तन हो गया उनका, उन्होंने भी अपनी माँ के पांव दबाने स्टार्ट कर दिए, तो मेरा किया हुआ हर कार्य समाज को प्रभावित कर रहा है, मुझे संतुष्टि है कि मैं समाज के काम आ रहा हूं। बताओ, सच्ची बताना, अनिरुद्धाचार्य समाज के काम आ रहा है या नहीं, हम बोझ तो नहीं है समाज पर। अब यही सवाल आप अपने से पूछ लो बस, कि आप समाज के काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आओ, प्रार्थना है। पढ़ाई ऐसी करना जिससे आप समाज के काम आए, डिग्रियां दिखाने से काम ना बनेगा। ना मेरे से आज तक किसी ने डिग्रियां पूछी और ना मैंने किसी को दिखाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप अपने बच्चों को ना डिग्रियों वाली पढ़ाई पढ़ाओ, भगवान को जो पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन मैं आपसे बस यहां जोड़ के कहूंगा अपने बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ा देना मेरी माँ कि वो बच्चे समाज के काम आए, लोग कहें कि वाह बेटा तेरे जैसा बेटा सबके पास हो, तेरे जैसा भाई सबके पास हो, एक ऐसे व्यक्तित्व बनो कि आप जैसा समाज चाहे कि आप जैसा ही हो, आप जैसा बेटा, आप जैसा भाई, आप जैसा आदर्श पति, पति ऐसे बनो कि आप जैसा पति सब चाहें, पत्नी ऐसी बनो कि आप जैसी पत्नी सब चाहें, आदर्श स्थापित करो। स्वामी विवेकानंद जी के जाने के बाद भी लाखों लोग उनके चरित्र से, जीवन से, उनकी कही बातों से लोग सीख रहे हैं। झांसी की रानी 23 साल में मर गई बेचारी, परम गति को प्राप्त हुई, लेकिन जाकर भी उसने आज तक वो गई नहीं, सबके भीतर जिंदा है। समाज को कितना गहरा मैसेज दे दिया उसने,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज कुछ लोग तो अपने सास की सेवा नहीं कर पाती, ससुर की सेवा। एक पति मैनेज नहीं होता, कुछ महिलाएं पति जरा दो दो बातें कह दे गुस्सा, इतना आदमी खोखला हो गया है ना, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है। आजकल लोग रिश्तों को लेकर चलना ही नहीं चाहते, एटीट्यूड रखा है हर जगह, मुझे ऐसा कह दिया, मैं कुछ कम हूं क्या, मैं ये हूं। दो कौड़ी की सोच है तुम्हारी, सबसे घटिया। समाज को लेकर चलना पड़ता है।